डेट ऑफ बर्थ क्या है मेरा? हाँ 2060। अरे फोकस मत मारिए, फ्लैट हो जाएगी लड़की लोग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज हम कॉलेज जा रहे हैं, एक दिन नहीं गए थे क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब था। मैं शक्ल देख के ही पता चल रहा होगा, शक्ल पे 12-16 सब बच चुका है। तो अभी जा रहे हैं, फटाफट रेडी भी होना है। और 9 बज गया है और पानी भी ठंडा है, ठंडा पानी से नहाना पड़ेगा। बट नहा लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा नहाने के बाद सही लगेगा। तो जाते हैं रेडी वेडी होके, फिर मिलते हैं। गाइस, ठंडा ठंडा पानी से नहा के रेडी वेडी हो गए और जाते जाते भी लास्ट वीडियो का एडिटिंग कर ही रहे थे क्योंकि ये फ्रेशर का लास्ट पार्ट है, जो फ्रेशर वाला आ रहा था सीरीज उसका ही लास्ट पार्ट है। तो टाइम ही नहीं बच रहा था और कुछ वीडियोस कहीं और था तो मंगवा के एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग गया। तो इसको ही कंप्लीट करना है और इसको अपलोड भी करना है। तो जाती है क्लास और एक दिन क्लास मिस कर चुके हैं और आज से नंबर वंबर बता चलेगा। बस ये है कि स्टैट्स भी पास कर जाएँ, लेकिन इस बार पास कर जाएंगे, पता है मेरे को। गाइस, अब कॉलेज से आ गए और अब जा रहे हैं पार्सल लेने के लिए। आज मेरा कॉल आया क्योंकि फ़ोन जो था जो घर से आ रहा था वो आज पहुंच गया, मतलब लगभग 6-7 दिन लग गया, 7 दिन लग गया होगा। तो अभी अभी कॉल आया पार्सल वाले का कि मेरा पार्सल आ गया गेट पे, तो जाता हूँ और पार्सल अपना पिक करता हूँ, फिर देखते हैं। फ़ोन का तो पता ही है कैसा फ़ोन है, कुछ दिन यूज़ किया हुआ फ़ोन है, बट अच्छा है, काम चल जाएगा मेरा। गाइस, रास्ते में चाहे जल्दी किशन मिल गया। गुड इवनिंग गाइस। तू किधर से आ रहा था भाई? भागा भागा क्यों? कहीं और से देखवाते हुए देखे हम। हाँ बस, गुड इवनिंग गाइस। तुमको कहाँ जाना है? बस मुझे थोड़ा सा बाहर में काम है, मैंने अपना ब्लेजर फिटिंग के लिए दिया था वो उस दिन जो दिया था। हाँ। अभी तक नहीं लिया? नहीं, गए थे लाने के लिए तो बोला भैया अभी तक नहीं हुआ, आप आ जाइएगा तो दे देंगे। चलो गाइस, तो फिर जाते हैं, अपना फ़ोन लेंगे या अपना ब्लेजर लेगा और ये मेरे साथ चल रहा है। गाइस गाइस, फ़ोन मिल गया, बहुत अच्छे तरीके से पैक था और करना भी जरूरी था क्योंकि इसका इंश्योरेंस नहीं हो रखा था, क्योंकि वही फ़ोन का इंश्योरेंस होता है जो अंडर वारंटी होता है। ये वारंटी में था बट 6 मंथ का ही लिमिट होता है, 6 मंथ का फ़ोन का हुआ है तभी इंश्योरेंस होगा। सब लोगों ने भैया ने अच्छे तरीके से पैक करके सेंड किया, थैंक यू। तो अब जाके रूम पे इसको देखेंगे, फ़ोन को निकालेंगे बाहर। गाइस देख लो, रूम पे आ गए और इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। क्या प्रॉपर अनबॉक्सिंग करें, नया फ़ोन नहीं है, पुराना फ़ोन है। खोल के दिखा देते हैं कैसा फ़ोन है, तो पहले खोल लेते फिर दिखाते हैं। गाइस देखो, ये डब्बा के अंदर एक डब्बा निकला, ये कि बहुत पुराना फ़ोन मैंने लिया था, वीवो V5S। मीन्स ये मैंने 2017 में या 2016 में मैंने लिया था। उस टाइम पे मेरे को ये फ़ोन 18,000 का पड़ा था, मेरा उस टाइम बहुत ही फेवरेट था। मतलब इसका जो चिन्ह था ऊपर नीचे का बहुत ज़्यादा, देखो इमेज में दिख रहा होगा, उस टाइम लगता था क्या यार क्या फ़ोन है ये, बट अब सिंपल सा बहुत लगता है। इसके अंदर फ़ोन होगा, फ़ोन का डब्बा नहीं होगा क्योंकि फ़ोन का डब्बा कहाँ था कोई पता नहीं। मैं खोल के दिखाता हूँ फ़ोन को। फाइनली फ़ोन निकल गया गाइज, अब निकल जाए यार, ये क्यों नहीं निकल रहा? डब्बा थोड़ा छोटा है, इसके वजह से ऐसा हो रहा। ये रहा फ़ोन गाइज, देख लो बस, और क्या, अब सारा सेटअप ही सब करते हैं फ़ोन का, यूज़ करते हैं अपना फ़ोन, देख लो। गाइज, आप लोग को आज एक फ्यूचर से आए हुए इंसान से मिलाते हैं। मिल लो उससे, जो कि अब मतलब अभी प्रेजेंट का नहीं है, फ्यूचर का है वो। ये रहा माधव, यही फ्यूचर से आया है। भाई का डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या क्या है मेरा? हाँ 2060। भाई हाँ भाई, कब का है भाई, फिर से बताइयो। 2060। अभी क्या चल रहा है यहाँ पर? 2001 ना, अभी क्या नेपाल में? अभी तुम्हारे हिसाब से क्या चल रहा है? कहाँ पर? कहीं भी। अब मेरे हिसाब से क्या बोलो, बहुत हो गए। 2078। हाँ भाई देख लो, 2078 फ्यूचर से आया है। और ये भाई तेरा नाम क्या है? लेजेंड बोलते हैं। इसका केशव नाम है, अभी मतलब बाहर से हॉस्टल में शिफ्ट हुआ है। और सच में यार, लेकिन पता है इसके साथ क्या हुआ था? ये क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहा था और इससे टीचर पूछे कि कब डेट ऑफ बर्थ है, तब ये बता दिया 2060। सच में सब कोई शॉक कर गया होगा, क्लास वालों सर हर कोई शॉक हो गया होगा। हाँ होंगे, वो तो होना ही था यार। तो देख लो, यही फ्यूचर से आया हुआ इंसान है, अच्छे तरह से चेहरा देख लो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखो माधव पांडे राजजोशी, माधव राजजोशी, इसका पूरा नाम भी याद रख लो, फ्यूचर इंसान का माधव राजजोशी। और पढ़ने वाले स्टूडेंट देखो मन लगा के पढ़ रहे हैं। आपका ब्लॉग ट्रेंडिंग में जाएगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ। इसका डेट ऑफ बर्थ से ब्लॉग ट्रेंडिंग में जाने वाला है। चलो ये भी अच्छा ही बोला,
कोई पढ़ नहीं रहा था, बस कैमरा देख के पढ़ना शुरू किया है। देख लो गाइस अभी ऐसा कुछ नहीं है। क्या है ये प्रैक्टिकल? कौन पढ़ता है? लिखा रहता है प्रैक्टिकल, याद कर रहा है, रीडिंग याद कर रहा है, एग्जाम में आपको क्या पता कल प्रैक्टिकल बताना। पता है क्या, इसके घर पे ब्लॉग देखते हैं मेरा, इसलिए जब भी ब्लॉग आता है तो अपना कॉपी किताब खोल के बैठ जाता है। नहीं देखता लेकिन हम पढ़ रहे हैं ना। तू तो अभी आया था मेरे साथ, ये भी गाइस झूठ बोल रहा है। हाँ। कोई भी नहीं पढ़ रहा है। बुलाया कौन? कोई भी नहीं पढ़ रहा है। लक्ष्मी बता, टॉपर बनने का राज बोलना। क्या बोलना है इसमें? टॉपर कैसे बना जाता है? इसने बना जाता है, फालतू चीज है टॉपर बनना। और कुछ? और कुछ नहीं सर। अरे फोकस मत मारिए, फ्लैट हो जाएगी लड़की लोग। लक्ष्मी को वही दिक्कत है, लड़की वही तो हमको दिक्कत वही रहता है कभी। गाइस अगर सही में बात करें ना तो लड़का नेपाल से, इसी वजह से 2060 में पैदा हुआ है, क्योंकि नेपाल और इंडिया का कैलेंडर अलग है। अभी नेपाल में 2078 चल रहा है, तो वो पैदा हुआ था 18 साल पहले। तो बस यही था और कुछ भी नहीं था। बस उसका मजाक उड़ाता है हमेशा कि वो फ्यूचर ह्यूमन है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इससे पहले कि नेपाल का कैलेंडर अलग है इंडिया के अकॉर्डिंग। मुझे लगता था सेम होगा बट अलग था। और देख लो एक चीज़ पता है गाइज, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना टेबल को सुंदर सा बना के रखूँ, मतलब प्यारा सा सब कुछ जगह पे, बट होता नहीं है। मतलब सब कुछ इधर उधर होते रहता है फिर इतना गंदा सा हो जाता है। देखो तो गाइज अब वीडियो भी एडिट करना है, तो ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।